सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और गाइज आज हम देखने वाले हैं ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब। तो गाइज इससे पहले मैंने वन पीस का हिंदी डब देखा था, और गाइज जिसे देखने के बाद तो भाई My disappointment is immeasurable. सो गाइज यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, 3-2-1 एंड लेट्स गो। चलो कम से कम दोनों शांत हुए। तुम दोनों शांत तो हो गए भाई। वैसे देखने में जुड़वा तो नहीं लग रहे। भाई नहीं है ये तो नहीं, ये वाला बड़ा शांत है। तुम भी बताना है तुमने ब्लैक क्लोवर देख रखी है या फिर नहीं। ये बड़ा शरारती लग रहा है। वैसे दोनों ना देखने में एक जैसे हैं ना हरकतों में। यू नो आस्ता। चलो इस शरारती का नाम देखो। लात मारी ना मुंह पे। इसमें तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी है भाई। मुझे तो आस्था की वॉइस रिवील चाहिए, क्योंकि भाई जैपनीज में ना शुरुआत के लगभग कितने 20-25 एपिसोड लगा के चलो, आस्था की आवाज इतनी ज्यादा इरिटेटिंग थी ना भाई। बहुत ज्यादा हेट मिली है आस्था को इसके लिए, पर भाई बाद में ठीक हो गई, ऐसी बात नहीं है। मेरे आस्था और यू नो अभी तक तो भाई हिंदी डब प्रोमिसिंग लग रहा है कि अच्छा होगा। वन पीस से तो 100 गुना अच्छा होगा। 15 साल बाद यार। वैसे फर्स्ट एपिसोड की एनिमेशन काफी अच्छी थी। इस बार एक्स्ट्रा जादुई मेहनत की है। वैसे ब्लैक क्लोवर की एनिमेशन अच्छी है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी वो डिजर्व करती है। ये कौन चिल्लाया? आस्था चर्च का लड़का, इसका तो रोज का नाटक है। देखना एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और तुम ऑटोमेटिकली बनोगी मेरी रानी। यार आस्था की साउंड जच रही है ना ऑटोमेटिकली। आस्था की वॉइस भाई मैच हो रही है आस्था के कैरेक्टर के साथ। नाटक है। देखना एक दिन बनूंगा विजार्ड किंग और तुम ऑटोमेटिकली बनोगी मेरी रानी, इसलिए तुमसे पूछने आया हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ओह आई एम सो सॉरी आस्था, ये तो नामुमकिन है क्योंकि मैं तो सबकी सिस्टर हूँ ना। भाई मांगा में पता है लोगों को क्या हुआ है। yes, it is. I can't marry you. भाई इंग्लिश में कैसे होगी ये? भाई मैजिक का नाम तो बढ़िया है, पर यार ये इंग्लिश में कैसे हुई? शायद सेंसर्ड होगा थोड़ा बहुत, जैसे हिंदी डब नहीं हुआ होगा वो। एनीमे बूट पे आई है तो टीवी भी आती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत सेंसर्ड हो। नहीं मारना चाहती थी। बढ़िया सिस्टर, अच्छा मुक्का था। आज तक कोई इसी की जरूरत। पंच भी बोल सकते थे तुम। मैंने जानबूझ के नहीं मारा। मुक्का पड़ा है पर रुकूंगा नहीं। हां भाई वो डेप्थ तो है, बंदे ने पूरा जोर लगाया है अपना। भाई बंदे ने ना पूरी आस्था की टोन पकड़ी है। जैसे आस्था की भी जो ओरिजिनल साउंड है ना एपिसोड के शुरुआत वाली, वो भाई काफी ज्यादा ऐसी है, मतलब इरिटेटिंग टाइप, पर ये इरिटेटिंग नहीं है। पर काम बन कहा रहा है ना, तुम अकल है शकल तो क्या ही कहें, चीखते इतना हो और घन चक्कर नंबर वन हो तो मैं एक भी ऐसी बात नहीं जो किसी लड़की के साथ तुम्हारा काम बना। यू नो की साउंड यार, यू नो की थोड़ी सूदिंग होती है और तो अच्छा लगता, पर बुरी नहीं है, वन पीस से तो अच्छी है। आए, 15 साल से मैं तेरा भाई हूँ, एक साथ नहाया खाया दूध पिया, अब तू मेरी बेइज्जतियां करेगा। एक नन है तो वो शादी नहीं कर सकती, और उससे बड़ी बात तुम आस्था करके रहेगा। एक के बाद एक बेइज्जती। आस्था वांट टू बैंग नन। इसे चैलेंज करना पड़ेगा और हराना पड़ेगा। आ जा करते हैं मुकाबला। अब बस भी करो आस्था, तुम चाहे जितनी भी। यामी की साउंड सुननी है भाई, कैसी है? हरा पाओगे? ऐसी बात है तो अब ये देखो फिर से इसकी नौटंकी। जानते हो ना तुम्हें जादू। आबरा का डाबरा। ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं जादू क्यों नहीं कर पाता? आस्था कितनी कॉमेडी करता है। आस्था का वॉइस एक्टर बढ़िया है यार। लाइफ ही ट्रेजिक कॉमेडी है। इस उम्र में आकर ये जादू नहीं कर पा रहा, देखकर अफसोस होता है। अरे मैं अपने आप में एक हथियार हूँ, देखो कैसे जल्दी से डब लगा रहा हूँ। लेकिन इसका फायदा क्या है? सबसे फनी कौन? आस्था। इसको तो मैं भूल भी चुका हूँ इन बच्चों को भाई। यही तो यूनो की पहचान है। मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं देना चाहता, अगर तुमने देखा नहीं है तो। मैं तो मांगा भी पढ़ रहा हूँ इसकी, और एनिमे तो देख ही रखी है। गई
गई भैंस पानी में। याद है ना ग्रिमवॉर्ड सेरेमनी होने वाली है जिसमें तुम्हें तुम्हारी ग्रिमवॉर्ड मिल जाएगी। यार एपिसोड 2 में आएगा यामी यार, ये तो मैं एपिसोड 1 देख रहा हूँ। आस्था का वॉइस एक्टर बढ़िया है भाई, कुछ भी बोलो तुम, मुझे मिलने जच रहा है आस्था के ऊपर। वो दिन आने वाला है बहुत जल्द, बहुत जल्द ग्रिमवॉर मिलेगी आस्था। अब तक की सबसे महान ग्रिमवॉर मेरे हाथ ही लगेगी और देखते ही देखते मैं बन जाऊंगा मैजिक नाइट। और वो दिन दूर नहीं जब एक दिन आस्था बनेगा विजार्ड किंग, ऐसा किंग जो इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। इसकी बकवास फिर से शुरू हो गई। और किंग बनने के बाद मैं सबसे पहले इस पुराने चर्च की मरम्मत करवाऊंगा। तूने अगर मेरे चर्च को पुराना बोला तो। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें आस्था के साथ थोड़ा प्यार से पेश आना चाहिए, जैसे तुम सिस्टर लिली की भी साउंड बढ़िया है। दोनों हर चीज एक साउंड बोलना सही है, वॉइस बढ़िया है। यूनो तो बचपन से बड़ा रोतड़ू बच्चा था, लेकिन एक दिन रोतड़ू बच्चा जब वो बुरी तरह से आस्था को घर लेकर आया। 996 997 990। ये बात अच्छी लगती है ना, तुम इंग्लिश भी यूज करो तो अच्छा लगता है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स यूज करो बढ़िया लगता है। और अब मैं पीऊंगा मोगुरो पैटर्न का जूस, वो भी एक ही सांस में। काफी ज्यादा टाइम हो गया इसे देखे हुए। मैंने कब देखा था यार, 2020 में देखा था मैंने शायद ब्लैक क्लोवर, शुरू की थी मैंने 2020 में। देखता हूं कौन रोकता है मुझे। मार्च का महीना जब हवा में फायरफ्लाई डैंडेलियन उड़ने लगते हैं, तब क्लोवर की सभी 15 साल के बच्चे इकट्ठे होते हैं ग्रिमवॉर टावर में। मौका होता है आस्था को यहां पर भी ग्रिमवॉर नहीं मिलेगी, जिससे उनकी जादुई शक्तियां। ओ बेटे की, यहाँ तो बहुत सारी ग्रिमवॉर है, पता नहीं इनमें से कौन सी मेरी वाली होगी। बस एक बार मेरी ग्रिमवॉर मुझे मिल जाए। मैंने सुना है ऐसे लड़के 6 महीने बाद होने वाले मैजिक नाइट के एंट्रेंस टेस्ट भी देने वाले हैं। मतलब हद है यार। वैसे तो सिर्फ एपिसोड 2 भी देखना यार, मैंने यामी की साउंड सुननी है किसने दी है। आज आप अपने जादुई सफर की नई शुरुआत करने वाले हो, तो शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अपना प्यार और आशीर्वाद भी आपको देता हूँ। ये बूटा भाई एपिसोड 1 के बाद कभी देखा ही नहीं हमने ना। और अब बारी है ग्रिमवॉर प्राप्ति की। ग्रिमवॉर प्राप्ति की काफी अच्छा हिंदी डब है यार, एनिमे बूट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा हिंदी डब है। वैसे ग्रिमवॉर का भी अलग अलग चीजें हैं, बड़ी छोटी पतली विदाउट कवर। आस्था को नहीं मिली यार, आस्था वैसे बैठा है। बस होश में रहना। अरे मास्टर जी। भाई आस्था के वॉइस एक्टर को मानना पड़ेगा भाई, उसने ना अपनी पूरी जान लगा दी है इस करेक्टर को आवाज देने के लिए। जैसा भाई इंग्लिश और जैपनीज में था, उसने ये वाली टोन पकड़ के रखी है आस्था की, और ये बात यार मुझे सबसे अच्छी लगी इस हिंदी डब की। अपनी साउंड चेंज कर रहा है वो। मेरे ग्रिमवॉर की ट्रेन छूट गई, फ्लाइट मिस हो गई। अब तो अगले साल की बस। भाई कितना फर्क है ना वन पीस की और इसके हिंदी डब में। से आना अब सारी लाइम लाइट यूनो ले जाएगा, फर्स्ट विजर्ड किंग वाली बुक मिलेगी यूनो को, फोर लीफ ग्रिमवॉर। ये तो फोर लीफ क्लोवर है, कैसे बताते हैं मुझे ये देखना है बस मैंने। फोर लीफ, वो महान क्लोवर। बहुत जल्द मैं बनूंगा विजर्ड किंग। वैसे यूनो की भी साउंड यार इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने शुरुआत में मुझे लग रही थी जैसी। बस देखता जा, मैं तुझे कॉम। आधा एपिसोड हो भी गया यार। तुझे हरा के रहूंगा क्योंकि मैं हूं तेरा राइवल। हंस रहे हैं भाई, आस्था के ऊपर हंसते हो तुम। और ये बात कौन कह रहा है कि जिसे खुद की ग्रिमवॉर ही नहीं मिली। खर्चा किया भाई वॉइस एक्टिंग में, ऐसी बात नहीं। बैकग्राउंड कैरेक्टर की भी साउंड ठीक है। इस छोटे से गांव से भी ऐसे अनोखे। हमारा पहला विलन अच्छी है यार इसकी भी साउंड। इतने सालों तक मैं यही सोचता रहा, एक बार मेरी ग्रिमवॉर मुझे मिल जाए तो शायद जादू भी मेरी जिंदगी में आ जाए,
लेकिन मुझे तो ग्रिमवॉर मिली ही नहीं। टोन चेंज करता है भाई, इमोशन चेंज करता है ये अपनी वॉइस एक्टिंग में, ये बात अच्छी है। है कौन यार इसका वॉइस एक्टर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर तुम्हें पता हो तो। Never giving up, मादा मादा। मुझे हल्के में मत लेना। चाहे मुझे आज तक यही बात तो अच्छी है, वो गिव अप नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ग्रिमवॉर हासिल करके रहूंगा और एक दिन बनूंगा विजर्ड किंग और पूरी दुनिया को ये प्रूफ कर दूंगा। अगर हौसला है तो हर चीज मुमकिन है, भूलना मत। मैंने हार नहीं मारी है, यू नो। वुहाहा, वही वो भी आएगा ना। देखो हमारा वुहाहा कर रहे हो। बच्चे ऐसी आग से नहीं खेलते, जलने का खतरा रहता है। निकलने की कोशिश मत करना, फायदा नहीं होगा। जब मेरा जादू बाइंडिंग आयरन चेन किसी को जकड़ता है तो उसके सामने ना इंसान चलता है ना। अच्छा है मैजिक का नाम इंग्लिश में ले रहे हैं ज्यादातर, अच्छा है। मुझे लगा था गांव का एक लड़का मुझे क्या पहचानेगा, पर कुछ वक्त पहले तक मैं एक मैजिक नाइट था और मेरा जंजीर का जादू भी एक था, नाम है रेवची। उन्हें मेरा जादू हजम नहीं। रेवची इसका तो नाम भी भूल चुका हूँ मैं। मैजिक नाइट से तुम चोर बन गए, पर इसे चुराने का क्या फायदा, तुम्हारे काम नहीं आएगी। यूज तो नहीं कर सकता कोई भी, पर बेच सकता है। मुझे अच्छे से पता है गांव के लड़के, पर तुम्हें ये नहीं पता ऐसे बहुत से ब्लैक मार्केट कलेक्टर्स हैं जो कुछ यूनिक ग्रिमवॉर को अच्छे दाम पे खरीदते हैं। फोर लीफ क्लोवर ने भले ही तुम्हें चुना है लेकिन अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, तुमने अभी से इस्तेमाल किया है। इस पेंडेंट का भी मुझे अच्छा खासा दाम मिलेगा। नहीं, पेंडेंट को हाथ मत लगाना। आज तक ये एंट्री दीवार में बजेगा ना। मजाक मत उड़ा यार हिंदी में आस्था का। और ग्रिमवॉर को सिर्फ उसके मालिक के पास ही रहना चाहिए, इसलिए चुपचाप वो यूनो को वापस कर दे। तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो सकते हैं, पर यार अभी भी मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आस्था को यहाँ पे ग्रिमवॉर कैसे मिली। मांगा में यार काफी सारी चीजें एक्सप्लेन हुई हैं, पर गाइस हो सकता है आगे जाके एक्सप्लेन हो जाए कि यार, क्योंकि ग्रिमवॉर तो भाई वहीं पे मिलती है, पर गाइस आस्था को यहाँ से मिली दीवार से, तो किसी ने तो रखी थी यहाँ पे दीवार पर पहले। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे ज्यादा बोलने वाले चूजे को अक्सर मैं हवा में उड़ा देता हूँ, पर आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है। आस्था को चूजा बोल रहा है भाई बार बार, ये सबक सिखाऊंगा। आस्था जाओ यहाँ से। Only by muscle power. तुझे नहीं छोडूंगा। ये चूजा कुछ ज़्यादा ही उछलता है। आज तक का भाई न्यू नाम डाल दिया इसने चूजा। The pitless viper. You see, boy, it's no use. Thanks for playing, though. भाई ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ है तो नहीं, सेंसर्ड होगा, पर पता नहीं क्यों चेंज हुआ ना, इंग्लिश में आ गई। भाई तीन तीन लैंग्वेज में देख चुका हूँ मैं इसको, ब्लैक क्लोवर को। अब हिंदी शुरुआत में, इंग्लिश और बाद में जापानीज। कुछ भी नहीं, तुम बिना जादू के ही पैदा हुए हो, शायद तभी तो तुम्हें ग्रिमवॉर ने भी नहीं चुना। जिस दुनिया में जादू ही सब कुछ, द फ्लो ऑफ वर्ल्ड है आस्था। पैदा हो गए, क्या बात है, यही बात तो तुम्हें खास और अनोखा बनाती है। चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, कभी जादू नहीं कर पाऊंगा। आस्था हारने का नहीं, तो मुझे तुम पर हंसी के साथ डिमोटिवेट नहीं होने का। विज़र्ड किंग तो भूल जाओ, तुम्हें कहीं नौकरी तक नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारा ये जीनियस दोस्त डिमोटिवेट तो अच्छा करता है, खासा मजाक उड़ाता होगा है ना। इस दुनिया में तुम जैसे बेकार बिना जादू के इंसान, डेविल हो तुम, डेविल नहीं, तुम्हें तो जीना ही छोड़ देना चाहिए। लूजर तुम्हारी किस्मत में बस हार है। इसकी बातें दिल में लग रही है, पता नहीं क्यों। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ चीजें। भाई जो मूवी आई थी उसमें भी आस्था की वॉइस इसी ने दी थी क्या? पता नहीं, नहीं दी होगी, नेटफ्लिक्स की थी ना वो तो। शायद मुझे हार मान ले। तुम लूजर किसे कह रहे हो? आस्था, ये सच है कि तुम कभी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर का विज़र्ड किंग मैं हूं। राइवल है और वो तुम दोनों एक दूसरे के राइवल है। आस्था को कम समझने की भूल मत करना रेव जी, कभी नहीं। वो लूजर नहीं, वो है मेरा राइवल। तुम भी दे दो फिस्ट बम। वाह, तो इसे तुमने अपना राइवल चुना, दुनिया का एक लौता लड़का जिसमें जादू की एक बूंद तक नहीं है। अपनी ये वाहियात टांग हटा मुझसे।
सॉरी तुम आस्था के पास रो पावर ही काफी है। बस एक सेकेंड फिर देखना इसे कैसे खत्म करता हूँ। यही तो रीजन था भाई, कहाँ से आई है, कैसे रिवील करता है ये। इंग्लिश में काफी बढ़िया था, जापानीज में भी काफी बढ़िया था। द बॉय विदाउट मैजिक इंट्रो दो भाई मुझे हर एक एपिसोड का। क्या ये तुम्हारा जादू है? एंटी मैजिक फर्स्ट स्वॉर्ड आस्था की डीमन डिवाइवलर की क्या नाम है इसका, डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड का। ओवर की हर लीफ में कुछ ना कुछ समाया है। यस पहली तीन लीफ में है विश्वास उम्मीद विश्वास प्यार विश्वास उम्मीद प्यार और लक कराती है अच्छी किस्मत किस्मत डेविल बोलना चाहिए इसे बस। पांचवी में समाया है डेविल डेविल यानी शैतान। ये बात अच्छी लगी मुझे इसकी, इसने शुरुआत में शैतान नहीं बोला, इसने बोला डेविल यानी कि शैतान। इंग्लिश शब्द यूज करो तुम बढ़िया लगते हैं, ऐसा थोड़ी है बंदे को वैसे इंग्लिश नहीं आती। आइकॉनिक म्यूजिक भाई, लास्ट वाली जो फाइट होगी ना ब्लैक क्लोवर में, अगर कभी एनिमेट होगी तो उसमें ये वाली वॉइस तो होगी, वॉइस नहीं ओएसटी ये वाली होगी होगी भाई। एपिसोड वन खत्म हो गया यार, मैंने उसकी तो बात ही नहीं सुनी यार। यार कैप्टन यामी की आवाज ही नहीं सुनी मैंने तो। गाइस यार इस एपिसोड वन को देखने के बाद ही मैं यार एक बात तो यकीन से बोल सकता हूँ, ये यार वन ऑफ द बेस्ट हिंदी डब एनीमे होने वाली है। क्योंकि गाइस जो इन्होंने क्वालिटी दी है ना हमें हिंदी डब की, चाहे आस्था की साउंड हो, जूनो की मुझे इतनी नहीं लगी पर आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, वैसे मैच हो रही है, इतनी भी ख़राब नहीं है जितनी यार वन पीस की है। वैसे मैंने वन पीस के भी एपिसोड के ऊपर रिएक्ट किया है हिंदी डब वाले, तो यार उसे भी चेकआउट कर लेना। और गाइज यार आप भी बताना कि आपको ब्लैक क्लोवर का हिंदी डब कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो यार मैं इसके आगे वाले एपिसोड भी चेक करूं, मुझे लगता है यार 4 या 5 एपिसोड हिंदी डब आ चुके हैं एक साथ, तो यार वो चेक करने होंगे तो मुझे बता देना।